IDTV presents मायापुरी में सीलिंग प्रारंभ, व्यापारी काफी परेशान हैं। मायापुरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन महासचिव नीरज सहगल का कहना है कि व्यापारी पहले भी न्यायालय की शरण में गए थे और सोमवार को फिर न्यायालय से फरियाद करेंगे। पूर्व में डाली गई याचिका की तारीख 10 जुलाई है, तब तक कई फैक्ट्री सील हो जाएंगे। मायापुरी D1/122 को शनिवार को सील कर दिया गया। इससे पहले 5 फैक्ट्री सील की गई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा मायापुरी SHO की जगह बुराड़ी के SHO मनोज कुमार को मायापुरी का SHO बनाया गया है। पूर्व में जब मायापुरी सीलिंग करने दस्ता पहुंची थी तो काफी विवाद हुआ और मामला ऊपर तक पहुंच गया था। इस बार पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पूजा महाजनी बुलियन मार्केट में भी सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है। प्रधान योगेश सिंगल सदस्यों से बार बार अपील कर रहे हैं कि कन्वर्जन जमा करा दें। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट स्थित माली पार्क DDA कार्यालय के सामने विश्व विख्यात बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी एवं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के अध्यक्ष पंकज जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग सुबह 11 बजे होगा। इस कार्यक्रम में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के संरक्षक ललित सुमन, वरिष्ठ संपादक DID न्यूज चीफ भी आंचल की छाव NGO द्वारा बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए चलाए गए चित्रकला प्रतियोगिता के समापन समारोह उपरांत पहुंचेंगे। बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में सुरत शब्द नाम योग की साधना चलाया, अच्छे समाज के निर्माण के लिए शाकाहार सदाचार, नशा निषेध अभियान चलाया। पंकज जी अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलने हेतु आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान का अपना 3 दिवसीय दौरा खत्म कर शनिवार को स्वदेश रवाना हुए। महज एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी के पास नेशनल हाईवे पर देर रात एक भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार टेम्पो और एक पानी के टैंकर के बीच भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। फर्जी कंपनियां बनाकर बैंकों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी के मालिक संदेशा ब्रदर्स को लेकर ED ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ED के मुताबिक संदेशा स्कैम पंजाब नेशनल बैंक स्कैम से भी बड़ा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने अक्षरधाम के खेलगांव आवासीय परिसर इलाके से लूट की वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया। राजधानी का आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। इसके आज अधिकतम 41 डिग्री तक जाने की संभावना है। गर्मी और उमस के ऐसे हालात मंगलवार तक रहेंगे। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार को भी दूसरे दिन भारी बारिश जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि बारिश से शहर में सामान्य जीवन भले ही ज्यादा प्रभावित ना हुआ हो, लेकिन बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 5 व्यक्ति घायल हो गए हैं। भारी मानसूनी बारिश के कारण महाराष्ट्र के पुणे के कोंढवा के एक सोसाइटी की दीवार गिर गई। इस दुर्घटना में बिहार के 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 91 और वार्ड नंबर 93 के कूड़ा घर की मकान की दीवारों में क्रैक निशान और उन दीवारों में कई ईंट निकाले हुए हैं,
जिसकी वजह से सतनगर करोलबाग भीड़भाड़ इलाके में कभी भी कूड़ा घर गिर सकता है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। द्वारका के बिंदापुर इलाके के इंदिरा पार्क में आज सुबह करीब 6:30 बजे एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में इस्तीफों का दौर जारी है। राहुल गांधी के समर्थन में शुक्रवार को 120 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था और यह सिलसिला आज भी जारी है। ये है डीआईडी में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।